चौथी बार यूपी की सत्ता का ख्वाब देख रहे मुलायम अब 72 साल के हो चले हैं। उम्र का असर साफ नजर आता है। ऐसे में विरासत का सवाल खड़ा हुआ तो उन्हें अपने बेटे अखिलेश से बेहतर कोई नजर नहीं आया। अखिलेश यादव के घर का नाम टीपू है, लेकिन गांधी परिवार के वंशवाद के खिलाफ संघर्ष करते करते मुलायम सिंह यादव ने कब विदेश पलट टीपू को सुल्तान बनाने का सपना देख लिया पता ही नहीं चला। लेकिन ये सपना उस समाजवादी सपने पर ग्रहण की तरह था जिसे देखते हुए हजारों नौजवानों ने अपना घर बार छोड़ दिया। अखिलेश पार्टी के गढ़ या कहें कि अकेले बचे आधार क्षेत्र यूपी के अध्यक्ष। कभी अंग्रेजी विरोध में बेहद अगुवा रहे मुलायम ने बेटे अखिलेश को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। ये अखिलेश का ही करिश्मा है कि कभी कंप्यूटर का विरोध करने वाली पार्टी अब चुनाव जीतने पर लैपटॉप बांटने का वादा कर रही है। पार्टी की वेबसाइट है वो भी खालिस अंग्रेजी में। अखिलेश जरा से नाराज हुए तो मोहन सिंह जैसे दिग्गज की पार्टी प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई। लोहिया खुद तो अविवाहित रहे और लोहिया कहते रहे कभी भी वंशज को परिवारवादी को प्रोत्साहित मत करो। जब कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनी ये बहुत खतरनाक बात हो रही है वंशवाद की, 1958 में इस आदमी ने दूर की सोच ली थी और आज उन्हीं के अनुयायी लोग वंशवाद चला रहे हैं। बात सिर्फ बेटे तक सीमित नहीं है। मुलायम